ये है आरपी सेंटर। यहाँ पर अगर आपको लेसिक सर्जरी करवानी है या आई से रिलेटेड कुछ भी ट्रीटमेंट करवाना है तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ये पूरी लाइन है, अपॉइंटमेंट के बाद आपको कार्ड बनवाने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा और लाइन में लगना पड़ेगा। आप देख सकते हो सुबह के 9 बजे और अभी इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे। पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लो, फिर यहाँ से कार्ड बनवाओ। कार्ड बनवाने के बाद में यहाँ पर मैं ओपीडी के लिए वेट कर रहा हूँ। पहले जैसा कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर आके, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपको पहले कार्ड बनवाना पड़ेगा, फिर अगर आप सेकंड टाइम आओगे तो फिर वो जो डॉक्टर होगा ना वो आपके उस पर लिख देगा कि आपको अब इस दिन आना है, इतने बजे आना है, ऐसा करके। फिर आपको दोबारा अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन। तो आज का दिन ख़त्म करते हैं। मेरे को नेक्स्ट डेट जो मिली है एक टेस्ट करवाने की, वो मिली है 30 अगस्त की। तो अभी मैं 30 अगस्त को आऊँगा नेक्स्ट मंथ, फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि अभी क्या आगे का प्रोसीजर। आज मेरा सेकेंड डे है सर्जरी के लिए। एक महीने बाद का मतलब 30 अगस्त का मुझे अपॉइंटमेंट मिला था। आप देख सकते हो कितना रश है। तो यहाँ पर अभी ये टेंशन नहीं है क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी जो है वो नंबर लगा हुआ है। मतलब एक बार आपका नंबर लगा हो तो आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी अंदर चलते हैं, इससे पहले कोई रोक दे। मुझे आज कार्ड नहीं बनवाना जैसे फ़र्स्ट टाइम मैंने बनवाया था। मेरा जो है वो 102 है, देखते हैं। अभी रूम नंबर लिखा है तो उसके डायरेक्शन बने हुए हैं, आप देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मेरी सेकेंड विज़िट थी यहाँ पर, तो यहाँ पर आज मेरे 2 प्रोसेस हुए हैं। एक हुआ है डाइल्यूट का और एक हुआ है फंडस का। तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप जैसे यहाँ पर आते हो ना, तो सेकंड विज़िट पे मतलब जब डाइल्यूट होना है या फिर फंडस होना है तो अपने साथ में किसी को लेके आना, क्योंकि आपको पास का तो दिखेगा ही नहीं, फ़ोन आप चला नहीं पाओगे। और अभी मैं धूप में आया हूँ तो मेरे को दूर का भी ऐसा ब्लर दिख रहा है। मैं तो अकेला आया हूँ, थोड़ा बहुत मैनेज कर रहा हूँ, इतना ब्लर भी नहीं है, मतलब है तो दिक्कत मुझे आ रही है अभी, तो यही है। और आज मेरे 2 प्रोसेस हुए हैं। अब मेरे को उनको थोड़ा सा डाउट है, तो उन्होंने अभी मुझे नेक्स्ट 3 दिन बाद फिर से बुलाया है। सर्जरी बोल रहे हैं हो जाएगी, बट उनको कुछ डाउट है तो वो चाह रहे हैं एक बार और चेक करेंगे, फिर देखते हैं मेरी। और हो सकता है आपकी ना हो, आपकी डायरेक्ट सेकंड विज़िट पे ही आपको सीधा ऑपरेशन की डेट मिल जाए, लेकिन मेरे को एक बार और बुलाया अभी, तो आपके साथ में फिर नेक्स्ट विज़िट पर। आज एम्स में मेरी 3rd विज़िट है और आज भी वही प्रोसेस होना है जो मैंने आपको लास्ट क्लिप में बताया था, कि जो फंडस है वो एक बार फिर से होगा। और उसके साथ में आज और क्या होगा वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वीक क्लिप के एंड में। आज की विज़िट के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। आज मैं एक्चुअली में गया था, रिफ्रैक्टिव कुछ होता है जब फंडस करते हैं, तो जो अपना आइज़ में वाइट वाला और ब्लैक वाला 2 पार्ट होते हैं, तो वाइट वाले पार्ट में ना कुछ ऐसा स्पॉट सा था, तो उसके लिए अगर जैसे आपकी आइज़ में स्पॉट है तो पहले उस स्पॉट को लेसिक से सही करते हैं, उसके बाद फिर आपका जो है चश्मे का ऑपरेशन होगा। मतलब स्पॉट को पहले लेज़र से सही करेंगे, फिर उसके बाद में आपका चश्मे के लिए अलग से लेज़र होगा, तो एक तरीके से 2 सर्जरी हो जाएंगी। बट आज जैसे फिर से चेक हुआ तो मेरे साथ में जो थे उनका तो स्पॉट निकला, लेकिन मेरा जो उन्होंने मतलब रीचेक किया एक तरीके से, तो मेरा नहीं निकला है आज। तो अब मुझे नेक्स्ट ट्यूजडे को बुलाया। अब ट्यूजडे को एक तरीके से पीएमटी में ऐसा होता है कि मुझे फाइनल डेट मिलेगी कि मेरी लेसिक कब होगी, तो पीएमटी में जब मैं जाऊंगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या किया, उसके बाद मेरे को डेट कब मिलती है या फिर आगे का क्या। आज मेरा 4th विज़िट है यहाँ पर और 8 बजे का टाइम दिया था, अभी शायद 8:15 हो रहे होंगे। और देखो आप कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर, सिर्फ कार्ड बनवाने का रश है ये। तो अभी तो अंदर चलते हैं। आज जो है वो पिगमेंटेशन कुछ प्रोसेस है। पिगमेंटेशन क्या होता है, मतलब मुझे इतना पता है शॉर्ट फॉर्म में कि मतलब आज मुझे डेट मिलने वाली है कि मेरी लेसिक सर्जरी कब होगी, बाकी अभी देखते हैं क्या होता है। तो यार आज मैंने जैसे आपको सुबह बताया था मैं एम्स में गया हुआ था और आज 6 सितंबर है और आज एक तरीके से मेरी 4th विज़िट थी एम्स में और आज मेरा पीएमटी हुआ था। पीएमटी में यही होता है कि आपको वो पूछते हैं, पहले जैसे मैं गया तो उन्होंने एक बार बुला के मुझे ये पूछा कि आपको लेसिक सर्जरी क्यों करवानी है, तो मैंने बताया कि यार मुझे करवानी है क्योंकि मैं बहुत टाइम से स्पेक्स यूज़ कर रहा हूँ और अब मैं जो जैसे ब्लॉग्स वगैरह शूट करता हूँ तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम आती है चश्मा लगा के, तो मैं शूट नहीं कर पाता। आपको पता ही है मैं एडवेंचर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करता हूँ, तो मुझे इसलिए चेंज करवाना है, मतलब इसलिए सर्जरी करवानी है, तो मैंने यही बोल दिया उनको। दैन फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को वापस भेजा, फिर उन्होंने एक बार फिर से बुलाया 1 घंटे बाद, नंबर चेक किया मेरा। नंबर इसलिए चेक किया था कि ऐसा तो नहीं मेरा नंबर जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, ऐसा हो कि भाई
10 दिन पहले अलग नंबर था, अब अलग है, बट वो चेक किया तो उसमें भी उनको सिमिलर ही लगा। फिर उन्होंने 2-3 घंटे हमें वेट करवाया, फिर उसके बाद में जो है उन्होंने, जैसे हम 4, 12, 15 मेंबर्स थे तो सबको एक साथ बुलाया, और उसके बाद में उन्होंने ये बोला कि आप सब जो हैं वो एलिजिबल हैं सर्जरी के लिए। उन्होंने हमें 2 ऑप्शंस दिए थे, जैसे 10-15 लोग थे और सबको एक साथ इसलिए बुलाया था कि अगर वो वन बाय वन डॉक्टर अगर हमें जो है, अरे ये बुलेट वाला, तो अगर वन बाय वन जैसे बुलाते तो टाइम वेस्ट होता, तो 10-15 लोगों को एक साथ बुला के उन्होंने और ये बताया कि भाई जैसे हमारे 2 ऑप्शन हैं हमारे पास में, स्माइल और लेसिक, यही 2 जनरल ऑप्शन देते हैं, और कॉन्टूरा की मशीन तो अभी भी ख़राब है उनकी, और कॉन्टूरा इतना, मतलब वो कॉन्टूरा पे भरोसा नहीं करते इतना, तो ऑप्शंस वो यही देते हैं। क्योंकि मैंने कुछ लोग से पहले भी मैंने पूछा, वो भी यही बोल रहे थे कि यार ये सिर्फ लेसिक और स्माइल के लिए बोलते हैं। तो हमको भी ऐसे ही था कि लेसिक और स्माइल बोला था, तो लेसिक में और स्माइल में पहले उन्होंने डिफरेंस बताया, क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लेसिक में अपना एक फ्लैप जो होता है वो काट लेते हैं ये अपना इसमें जो कॉर्निया में से, और जो स्माइल होता है उसमें कॉर्निया में से फ्लैप नहीं काटते, साइड से जो है पूरा का पूरा लेज़र से उसको सर्जरी कर देते हैं, बस ये डिफरेंस है। और लेसिक में थोड़ा सा ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, और मतलब जैसे अगर लेसिक में आपको 15 दिन केयर करनी पड़ेगी, पानी वानी डालना, डस्ट नहीं डालनी, तो वही आपको स्माइल में 10 दिन करना होगा। लेकिन मेन चीज़ है प्राइस का, प्राइस है उसका 52,000 अप्रॉक्स एम्स में, और इसका प्राइस है अप्रॉक्स 22,000, तो मतलब ऑलमोस्ट 30,000 रुपये का डिफरेंस है। तो इसलिए, और जैसे हम इतने सारे मतलब 10-15 मेंबर्स थे, तो इसमें से कुछ ऐसे थे, उसने बोला मैम ने कि आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं, और कुछ ऐसे थे जो सिर्फ लेसिक के लिए एलिजिबल थे, और कुछ ऐसे थे जो सिर्फ स्माइल के लिए एलिजिबल थे। तो मेरे केस में ऐसा था कि मेरा नंबर मैं आपको बता देता हूँ, मेरा नंबर है 4:30 लेफ्ट में, और अप्रॉक्स इतना ही 4:30-5 मेरा राइट में, ऐसा ही कुछ है, मतलब सेम नहीं है दोनों में, लेकिन 4 से 5 के बीच में दोनों आईज का मेरा नंबर है, और दोनों का सेम नहीं है, अलग अलग है। तो मेरे केस में उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है दोनों के लिए मतलब एलिजिबल हो, लेकिन मेरा बजट नहीं था, क्योंकि इतने अगर मैं एम्स में इतने चक्कर काट रहा हूँ तो ऑब्वियस ही बात है मेरा बजट नहीं होगा, नहीं तो मैं बाहर कहीं पे भी मतलब सस्ते में भी करा सकता था ना आपको, मतलब और उसमें करवा लेता, किसी भी प्राइवेट में करवा लेता अगर मेरा बजट होता। तो फिर मैंने वही लेसिक वाला चूज़ कर लिया, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से प्रोसेस जो आईज़ का है आफ्टर सर्जरी तो वो सेम ही होगा, दिखेगा दोनों में ही, है ना, बस उसमें थोड़ी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन प्राइस का डिफरेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैंने जो है वो लेसिक चूज़ करी थी, और अभी जो है जैसे मुझे 16 सितंबर की डेट मिली है सर्जरी के लिए, तो उससे पहले जो है मुझे उन्होंने ये बोला कि आपको एटलीस्ट 2 दिन पहले जो है वो फ़ीस जमा करनी होगी, तो मैं तो आज ही जमा कर आया, क्योंकि मैंने पूछा था मैम आज हो जाएगी, तो उन्होंने बोला हाँ आज भी आप कर सकते हो। फिर ये होता कि यार मुझे 2 दिन पहले फिर से एक बार जाना पड़ता फ़ीस जमा करने के लिए स्पेशल, तो आज मैं गया ही था। तो जैसे ही आप जिस टाइम PMT के लिए जाओ, अगर आप दूर से आ रहे हो, तो मैं बहुत दूर से गया था इसलिए, तो फिर मैंने उसी टाइम कर दी, मतलब आज ही कर दी। तो आप जो है मतलब अगर आप पास में रहते हो एम्स के, तो आप 2 दिन पहले भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो यही था, अब मेरी 16 तारीख को सर्जरी है। पहले तो मैं ये सोचा था कि पूरा एक ब्लॉग आफ्टर सर्जरी एक साथ में बना के आपको दिखा दूंगा, मतलब क्या क्या प्रोसेस है, बट फिर मैंने सोचा कि यार आप इतने में, क्योंकि अभी सर्जरी 16 को है, अप्रॉक्स 15 दिन बाद मैं एक ब्लॉग शूट करूँगा, क्योंकि बीच में कंप्यूटर वगैरह मोबाइल वगैरह इतना चलाना नहीं है, फिर एडिटिंग वगैरह भी नहीं हो पाएगी ना, तो इसलिए फिर मैंने सोचा अभी ये मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्या प्रोसेस होता है, वन बाय वन क्या स्टेप्स होते हैं, वो मैंने आपको पता है जब भी मैं गया हूँ तब मैंने ब्लॉग में कवर किया है। हाँ, वहाँ पे मैंने क्यों नहीं शूट किया वो भी बता देता हूँ, क्योंकि यार मैं ऐसा नहीं चाह रहा था कि अगर मैं शूट करूँ तो किसी को ऑब्जेक्शन हो, या वो डॉक्टर भड़क जाए कि मेरे यार क्यों शूट कर रहे हो आप यहाँ पे ऐसा वैसा, तो फिर उसमें मेरे को भी अल्टीमेटली मेरे को भी सर्जरी करवानी ही है, तो इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा था, इसलिए मैं सोचा कि मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वहाँ इंटरनल अंदर मतलब कोई शूट नहीं करूंगा, इसलिए मैंने शूट किया भी नहीं। और एक बार करने भी वाला था तो वो गार्ड ने मना कर दिया कि शूटिंग नॉट अलाउड ऐसा करके, तो इसलिए फिर मैंने अंदर भी नहीं किया। बस यही है, अब मेरी 16 को सर्जरी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर लेना, पूछ लेना, तो अगर वैसे तो मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर दूँ, लेकिन अगर रिप्लाई नहीं कर पाया ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसका मतलब अपनी एक्सपीरियंस डालूँगा कि मेरे को सर्जरी करने के बाद मतलब सर्जरी करवाने के बाद कैसा फील हो रहा है, क्या मतलब सब विज़न क्लियर है, या जो भी और जो प्रोसीजर होता है आफ्टर सर्जरी, जो भी केयर करनी होती है, वो सब के लिए मैं अप्रॉक्स 1 अक्टूबर को एक वीडियो डालूँगा, तो उस वीडियो में मैं आपके सारे पॉइंट्स जो है वो कवर कर लूँगा,
अभी बेस्ट टाइम है सर्जरी करवाने का, क्योंकि क्या होता है सर्जरी, जैसे आपने आज से अपना प्रोसेस स्टार्ट किया ठीक है, तो आपको अप्रॉक्सीमेट 2.5 से 3 महीने लग जाएंगे, तो सर्दी के टाइम पे क्या होता है आँखों में पसीना नहीं आएगा, तो बेस्ट है, नहाने की भी टेंशन कम है, 2-3 दिन नहीं भी नहाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आँखों में पानी नहीं जाना चाहिए ना सर्जरी के टाइम, तो इसलिए आप जो है अभी से प्रोसेस करो, जिससे आपका 2 महीने में मतलब आफ्टर दिवाली आपका जो है वो नंबर आ जाए सर्जरी का और आप सर्जरी करवा लो। और मुझे ड्रॉप उन्होंने एक जहा करके एक ड्रॉप है, इसको आप फॉलो मत करना क्योंकि वो सबकी आइज़ के अकॉर्डिंग होता है ना, तो ड्रॉप मुझे तो ऐसा लिखा है 15 दिन ड्रॉप डालने के लिए, फिर 2 ड्रॉप्स और लिखी हैं जो सर्जरी से 3 दिन पहले से आपको डालनी है, तो वो तो ऐसा ही है। और बाकी मैं और भी जितनी सर्जरी होती है सबका लिंक आपको मतलब स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, ये फ़ोटो देख लो आप, स्टॉप करके देख लेना, तो इसमें आपको बाकी के रेट्स दिख जाएंगे कि और सर्जरी जो वहाँ पर होती हैं उसके क्या प्राइसेस वगैरह होते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में स्पेक्स के बाद में, मतलब ये लास्ट व्लॉग होगा जो मैं स्पेक्स के साथ शूट कर रहा हूँ, इसके बाद तो जो व्लॉग होगा आई होप, क्योंकि मैं फ़ीस भी जमा कर चुका हूँ, अब बस सर्जरी होनी है 16 तारीख को, उसका वेट है मुझे, और उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट मंथ मिलूँगा, अभी कोई व्लॉग वगैरह शूट करने भी नहीं जा रहा, सीधा नेक्स्ट मंथ मिलूँगा आपसे और अपनी सर्जरी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ। थैंक यू।